We are starting a new topic that is joint venture. Joint venture basically बहुत ही easy topic है. Number of classes इसमें कम लगने चाहिए. आज का class यदि हम लोग छोड़ दें तो maximum 3 class में ये complete हो जाएगा. Obvious है, basic बात clear रहना चाहिए. अच्छा अच्छा level का sums हम लोग obvious है बाद में करेंगे, और क्योंकि हम लोग एक तरह से तो जो मैट में हो तो कंप्लीट कर ही ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सम्स और करना है. ओनली द प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. तो यदि हम लोग प्रैक्टिस की बात करें तो ज्वाइंट वेंचर सबसे पहला, अब आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं, आपको बताना है कि फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है. यदि हम लोग बात करें, आपसे पूछा मैंने कि फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो कितने जन को ध्यान है? पहला क्या है? एक्रुअल बेसिस. दूसरा गोइंग कंसर्न. तीसरा कंसिस्टेंसी. ये तीन है फंडामेंटल अजम्पशन. यदि मैं बोलूं कि ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में इनमें से एक फीचर्स नहीं होता, एंड दैट इज गोइंग कंसर्न. वेंचर एक शॉर्ट टर्म बिजनेस एक्टिविटी है. यू कैन से कि दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. हम लोग वेंचर बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, से फॉर मेकिंग फ्लाईओवर, से फॉर मेकिंग पब्लिक रोड, ठीक है, देन ब्रिजेस, बिल्डिंग, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट. इस तरह का प्रोजेक्ट के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग या एंटिटी मिलकर प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब ये स्टार्ट करते हैं, एंड ओनली वन थिंग इज सर्टेन दैट टर्मिनेशन, वो बिजनेस टर्मिनेट हो जाएगा एज एंड व्हेन द गोल अचीव्ड. जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, बिजनेस डिसॉल्व. दैट इज ज्वाइंट वेंचर. तो अपने ज्वाइंट वेंचर बोल सकते हैं इट इज अ नॉन गोइंग कंसर्न बिजनेस. और यदि एक नॉन गोइंग कंसर्न बिजनेस आपके दिमाग में आएगा, तो नॉन गोइंग कंसर्न जो जो गोइंग कंसर्न में होता है वो अब नॉन गोइंग कंसर्न में नहीं होगा. तो यू विल बी ऑटोमेटिकली एबल टू फाइंड आउट सो मेनी फीचर्स विच विल बी यूजफुल व्हाइल यू विल डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अब आप सोचो कि गोइंग कंसर्न जब होता है तो उसके अंदर में क्या क्या फीचर्स होता है, और नॉन गोइंग कंसर्न में वो सारे फीचर्स नहीं होंगे. गोइंग कंसर्न जब आपने पढ़ा होगा तो मैंने उसमें क्या पढ़ाया था कि इन अ गोइंग कंसर्न, एज पर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, द बिजनेस हैज लाइफ फॉर इन्फिनिटी और फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर. बिजनेस हैज नीदर क्या नेसेसिटी नॉर डिजायर टू लिक्विडेट इट्स एक्टिविटी इन द नियर टर्म, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. यदि आपको गोइंग कंसर्न ध्यान हो तो, नहीं ध्यान हो तो मैंने अभी पढ़ाया बताया. उस दिन मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, ये दुनिया, ये पृथ्वी, ये आज ये लास्ट डे है, दिस इज द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड. तो व्हाट यू विल डू, आप सिर्फ मैंने ऑप्शन दिया, क्या आप यहाँ बैठ के पढ़ाई करोगे? अपना गोल्ड ज्वेलरी जितना भी है उसको एक पैकेट के अंदर में पैक करोगे क्योंकि ऊपर में लेकर जाना है? ऐसा एग्जाम्पल याद आ रहा है कुछ हम लोग किए थे? तो बोल रहे क्या ऐसा हम लोग करेंगे? तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. तब एसेट्स ही नहीं होगा और लाइबिलिटीज ही नहीं होगा, यानी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का लफड़ा ही खत्म ना. रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन और कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन जो आप करते हो, कैपिटल नेचर होने से बैलेंस शीट में आएगा, रेवेन्यू नेचर होने से पीएल में आएगा. तो यदि ये गोइंग कंसर्न नहीं है तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन या मोस्टली ट्रांजेक्शन क्या होगा, कौन सा नेचर का होगा? रेवेन्यू नेचर का होगा. कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन यहां नहीं होता. यानी इस बिजनेस के लिए इवन इफ यू आर बाइंग व्हाट, इवन इफ यू आर बाइंग अ ट्रक, तो भी उसे एक्सपेंस माना जाएगा, रेवेन्यू नेचर माना जाता है. क्यों? इट्स अ नॉन गोइंग कंसर्न बिजनेस. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न एंड नॉन गोइंग कंसर्न, तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ रहा है. यदि आप उसका मतलब नहीं जान रहे तो आपको ये ट्रीटमेंट भी नहीं आएगा. सारा चीज उसके फीलिंग से रिलेटेड है. तो चलिए अपने करेंगे यहां पर ज्वाइंट वेंचर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे क्या होता है, फिर फीचर्स लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर में. तो ज्वाइंट वेंचर में आपका
हो जाएगा मीनिंग, इज अ बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय टू और मोर पर्सन विथ ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट एंड टर्मिनेशन ऑफ सच एक्टिविटी इज सर्टेन। टर्मिनेशन ऑफ सच एक्टिविटी इज सर्टेन, टर्मिनेट होगा ही होगा, दैट इज कंफर्म। फीचर्स, की पॉइंट्स, पहला फीचर्स होगा नॉर्मली किसका नॉमिनी, मतलब बोलते हैं ना नेमिंग होता है बिजनेस, जब आप गोइंग कंसर्न बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसका नाम ही सोचते हो, क्या नाम रखो, क्योंकि यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग द बिजनेस फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब शॉर्ट टर्म बिजनेस करते हो लाइक ओपनिंग अ स्टॉल इन द एग्जीबिशन या कोई स्टॉल लगाना ड्यूरिंग द कोई मेला या दुर्गा पूजा या एक छोटा सा 1 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनाना है तो बिजनेस का क्या नाम रखना है, तो उस केस में क्या होता है नेमिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इंट्रोडक्टरी नेम यहां पर नहीं होता है, तो लिखेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी नेम नॉट रिक्वायर्ड, इंट्रोडक्टरी नेम नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा बिजनेस में आप एक बात सोचो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो वेंचर, तो यदि मान लो आपका कोई स्टॉल लगाना है तो आप कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन करते हो या प्लाई वगैरह से करते हो, अच्छा वाला प्लाई या खराब वाला प्लाई, अच्छा वाला बोल रहे हैं, 5 दिन का दुकान लगाना है बेटा, अच्छा वाला नहीं खराब वाला, अच्छा वाला तो फिर उसको तोड़ना ही है आपको, आफ्टर 5 डेज यू हैव टू डेमोलिश द स्ट्रक्चर, तो अच्छा वाला क्यों, क्वालिटी आप तब देखते हो घर में लगाते हो जब आप सोचते हो कि इसे मैं अपने घर में लगा रहा हूँ फर्नीचर और इसे कभी तोड़ना नहीं है, या जब तक मेरा मन इसमें दीमक ना लगे इसमें, मतलब टर्माइट प्रूफ वगैरह आप लेते हो तो वो कब होता है, अच्छा वाला कब लेते हो, जब आपका लॉन्ग टर्म विजन होता है तब जाकर आप अच्छा वाला लेते हो, राइट समझ में आ रहा है ना, तो अच्छा वाला हम लोग, फोन दे दो इधर बेटा, फोन दो लाओ, हम बात कर लेते हैं आपके पापा से कि क्यों वो तंग किया आपको, दो चार्जर से खोल के दो क्योंकि फोन अब मिलेगा नहीं ना, दो ऑफ करो ऑफ करो ऑफ करके दो, फोन जब्त, क्लास में बेटा तू लोग फोन बंद करके आया करो, दे दो बेटा आज दे दो, एक से भले दो। हाँ और कोई का बच गया या दे दो, रिटर्न नहीं होगा बेटा, ये तू मजाक में लिया, आप दे सकते हो लेकिन बच गया तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा, अब अप टू यू, बजा लो फोन, पापा मम्मी से बात कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन जमा कर देना, इंट्रोडक्टरी नेम नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो दूसरा मैंने बोला
कि जनरली क्या होता है यहाँ पर हम लोग कैपिटल मतलब कि जो रिक्वायर्ड होता है, तो जब एक बिजनेस सेटअप करते हो आप, एक बिजनेस सेटअप करते हो, दे दो नहीं तो बेचारा पढ़ नहीं पाएगा, ले ले बेटा, मतलब बात मत करना अब, फालतू का टेंशन में आ जाएगा तू। हाँ फालतू का बाद में रिटर्न करेंगे, ये बोलेगा सर प्लीज छोड़ दो दे दो, और इसलिए अच्छा ले लो, चलो उठाओ पढ़ाई करो ठीक से। पापा को बोल दिया करो, पापा क्लास में फोन मत किया करो। अच्छा क्या बोल रहा हूँ, तो अपने जब नॉर्मली वेंचर बिजनेस करते हैं और एक रेगुलर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले देखा करो रेगुलर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना खुद का ऑफिस ढूंढते हैं, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का इंटीरियर, बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। लेकिन जब एक वेंचर बिजनेस करते हैं तो टेम्प्रोरी ऑफिस से भी काम चला लेते हैं, भाड़े का ऑफिस ले लेते हैं, भाड़े का ट्रक ले लेते हैं, भाड़े का क्रेन मशीन ले लेते हैं, यानी कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता है। क्या होता है, वेंचर इज नॉट कैपिटल इंटेंसिव, सो लिखेंगे वेंचर इट इज नॉट कैपिटल इंसेंटिव इंटेंसिव, इट इज नॉट कैपिटल इंटेंसिव। अच्छा जब ये गोइंग कंसर्न नहीं है, इट्स अ नॉन गोइंग कंसर्न, तो इसके अंदर ट्रांजेक्शन जो होगा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा, रेवेन्यू, सो लिखेंगे इट इज नॉन गोइंग कंसर्न बिजनेस, इट इज नॉन गोइंग कंसर्न बिजनेस। नंबर फोर, अब इसमें ये नॉन गोइंग कंसर्न है, साथ ही साथ अब इसमें आपने बोला ट्रांजेक्शन जो होगा जनरली रेवेन्यू नेचर होगा, तो लिखेंगे जनरली। अब जनरली वर्ड क्यों लिख रहा हूं, यदि क्वेश्चन में बोला है कि क्रेन को एसेट्स लेना है, बिल्डिंग को एसेट्स ही मानना है, जबरदस्ती बोल रहा मानना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, मानेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई कोई प्रोजेक्ट 10-10 साल चलता है, तो वहां पर एसेट्स होता है भाई। ऐसा वेंचर है जो 25 साल चलेगा, 10 किलोमीटर आपको क्या करना है, ऑन द गंगा रिवर आपको फ्लाई ओवर बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो वो क्या होगा, 10 किलोमीटर लॉन्ग 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट 15 साल 20 साल चल जाएगा। इसलिए उस तरह का प्रोजेक्ट होगा तो वहां पर क्या होगा, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों होगा। तो मैं लैंग्वेज क्या लिख रहा हूं, जनरली नहीं होता है, तो जनरली ट्रांजेक्शंस आर रेवेन्यू इन नेचर। नंबर फाइव, अब बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो कैश बेसिस में करोगे या क्रेडिट बेसिस में करोगे, तो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा यहां पर, कैश। नंबर सिक्स, यहां पर क्या होता है कि अपने जो बिजनेस, ये बिजनेस है तो हर बिजनेस के लिए देखा करो एक स्पेसिफिक एक्ट है, लाइक आप यदि पार्टनरशिप करते हो तो देर इज पार्टनरशिप एक्ट टू गवर्न द पार्टनरशिप बिजनेस, यदि आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हो तो देर इज अ कंपनीज एक्ट 2013 टू गवर्न द कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है जो कि इसको गवर्न करता है, तो इसलिए क्या होता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल, क्या होगा, लिखेंगे जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। पार्टनरशिप में हम लोग हर एक मेंबर को पार्टनर्स कहते हैं, और आपका कंपनी में हर एक मेंबर्स को शेयर होल्डर कहते हैं, यहाँ पर हर एक मेंबर को वेंचरर कहते हैं, क्या बोलते हैं, सो मेंबर्स आर कॉल्ड को वेंचरर।
मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेम सेट ऑफ बुक्स, एंटिटी कंसेप्ट इज एप्लीकेबल। एंटिटी कंसेप्ट मतलब आप जानते ही हैं, पढ़े होंगे कभी बहुत डिटेल्स में, बिजनेस एंड द ओनर हैव सेपरेट एंटिटी। तो एज पर दैट कंसेप्ट बिजनेस का बुक अलग होता है और प्रोप्राइटर का बुक अलग होता है, एंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड सेपरेटली। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बिजनेस का बुक और पर्सनल ट्रांजेक्शंस, यानी कि को वेंचर्स ट्रांजेक्शन जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है उनका, वो एक ही बुक में नहीं लिखा जाता, कहाँ कहाँ लिखा जाता है, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक। सेम सेट ऑफ बुक्स में क्या होता है, एंटिटी कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल, और यहां पे क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन एक ही बुक में लिखा जाता है, गंदा तरीका, समझ गए। लेकिन छोटा बिजनेस है, आपको तो पता ही है, डे बुक्स जब मैंने पढ़ाया आपको, मतलब डे बुक्स भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कराते समय, तो मैंने क्या बोला था कि स्पेशल बुक कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब साइज ऑफ बिजनेस बड़ा हो, जब छोटा ही बिजनेस है तो क्या अलग अलग लिखना, एक ही जगह पे लिखा जाता है, जनरल जनरल बनता है। तो यहाँ पे सेम सेट ऑफ बुक्स कब होता है, जब क्या हो, मतलब लिख लेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन अ सेम बुक। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सेम बुक। बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सेम बुक। अब हम लोग फिर से हेडिंग डालेंगे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मतलब बिजनेस का बुक्स अलग और को वेंचरर्स का बुक्स अलग। तो हम लोग जो अभी जनरेटिव सीख रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ वेंचर, वेंचर मतलब बिजनेस, वेंचर मतलब बिजनेस, जो हम लोग कंसेप्ट फॉलो करते आए हैं। तो इन द बुक्स ऑफ वेंचर यानी बिजनेस के बुक में यहां पर दो ही अकाउंट बनता है सिर्फ, क्या क्या नहीं, तीन अकाउंट बनता है, क्या क्या, एक बनता है आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, दूसरा बनता है आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट, जो बैंक जो आप जानते हो बैंक वही है, यहां पर ज्वाइंट बैंक ऑपरेशन होता है क्योंकि एक्स को वाई पे भरोसा नहीं है, वाई का एक्स पे भरोसा नहीं है, तो एक्स वाई दोनों क्या करते हैं, ज्वाइंट बैंक ऑपरेट करते हैं, इसीलिए ज्वाइंट बैंक है। बैंक मतलब क्या हो गया, जब ज्वाइंटली ऑपरेट होता है तो उसको ज्वाइंट बैंक बोलते हैं। ज्वाइंटली ऑपरेट होने का मतलब क्या है, जब चेक के ऊपर दोनों जन का सिग्नेचर जाएगा तभी पैसे निकलेंगे, उसको ज्वाइंट बैंक बोलते हैं, कॉमन फंड अकाउंट इसी को बोलते हैं। एंड तीसरा होता है आपका कोवेंचरस अकाउंट, कोवेंचरस पता है ना किसको बोलते हैं, ओनर को, सो ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट ऑफ ओनर, अकाउंट वाइज ये पर्सनल है और पर्सनल अकाउंट ऑफ ओनर है ये। रूल्स पास नॉर्मल
जर्नल एंट्री, नंबर टू रिप्लेस ऑल नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू ज्वाइंट वेंचर बिजनेस विथ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। यानी नॉमिनल एंट्री पास कीजिए, वेर एवर यू फाइंड नॉमिनल अकाउंट जो कि ज्वाइंट वेंचर बिजनेस से रिलेटेड, उसे रिप्लेस कर दीजिए, दैट्स इट। अभी हम लोग क्या करेंगे, शुरू कर देंगे एंट्री। मैं बोलूंगा, मैं तो रूल्स भी नहीं लिखाऊंगा, मतलब मैं बोलूंगा कंडीशन और आप देंगे क्या एंट्री। तू मुझे क्या दो, खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी। आजादी में मेजर रोल किसका था, यू नो, हमारा इंडियन आर्मी। आपको मैं बता दूं कैसे, एक प्रोग्राम में देख रहा था जी, न्यूज पर आता है डीएनए, वो जन नहीं जानते हैं, लेकिन 1945 में जो वर्ल्ड वार टू हुआ था, तो यहां से अपने सेना को जापान या रशिया ये सब जगह भेजा गया था लड़ने के लिए। सुन लो, नॉलेज का चीज है, मुफ्त में मिला हुआ चीज का वैल्यू होता नहीं है। आप लोगों को तो मालूम नहीं है, नहीं तो अंग्रेज आज भी खून चूस रहे होते आप लोगों का, इसमें कोई डाउट नहीं था। बाद में नेता लोग चूसते हैं क्योंकि आप लोग मतलब रखते नहीं हो, नेता लोग आज तक चूस रहे हैं, नहीं तो देश बहुत आगे चला गया होता। यदि नेता नहीं चूसता तो आज भी 25 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी रेखा के नीचे हैं, जिनको दाल रोटी नहीं मिलता है। एक टाइम मिलता है 25 करोड़, एक दो करोड़ ने, आप तो अपने कवर्ड को खोलते हैं तो देखते होंगे कि कौन सा ड्रेस पहनूं आज। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि शाम को खाऊंगा क्या, और ऐसा सोचने वाले हमारे देश में 25 करोड़ हैं, और कुछ लोग यहाँ शहरों में ऐसा ऐसा खाना खाते हैं, हाजमा खराब है हो जाता है, डॉक्टर के पास खा खा के जाके दिखाते हैं कि हमारा तो हालत खराब हो रहा है, वो इनडाइजेशन हो गया, बेटा ये डाइजीन लो, ये लो पैंडी। बंगाल में किसी से भी पूछना, कोलकाता शहर में, वो आपको ना दवा का नाम गैस का तो ऐसे ही बता देगा जैसे वही डॉक्टर हो, पैंडी, पैन 40, ठीक है, और क्या, जी घबरा रहा है, जी मचल रहा है, तो डोमेस्टल ले लो, ठीक है, और क्या हो रहा है, बोल रहा है कि खाना जो है पेट में घूम रहा है, तो उसका भी दवा बता देगा। बोला कौन सा चीज खाया है तो कौन सा गैस का दवा देगा, माछ खेचो, ओमेज खाओ, ओमेज 20। ये हमारा बंगाल में है, मतलब द थिंग इज दैट रियली इफ यू आर कंसर्न अबाउट द इंडिया, अपने देश में, जिस देश में रहते हो, जहां तुम्हें आगे बढ़ना है, तो वहां पे ये 25 करोड़ आबादी, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो पूरे दुनिया में हर 3 भूखर में से या भिखारी में से एक इंडियन है। आपका सीपीटी में ये क्वेश्चन आता था कि 3 लोगों में यदि कोई भूख से मर रहा है तो उसमें एक इंडियन है। पूरी दुनिया, सब देश को मिला दो तो पूरा दुनिया 2 देता है, तो हम लोग 1 देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो एनीवे, उस डीएनए में क्या था, आपसे भी शेयर करूं, उसमें बहुत अच्छा क्लियर कट बोला कि क्या महात्मा गांधी के कारण आजादी मिला, बोला नहीं, बोला अंग्रेज उसके कारण नहीं दिए। अंग्रेज महात्मा गांधी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जो एक्शन था, उसको भी उसने कितना जगह पे फेल कर दिया था, मरवा दिया, आज तक पता ही नहीं चला कि किधर है वो, ठीक है। तो आजादी क्या चीज पे मिला, तो जब वर्ल्ड वार होने वाला था तो उन्होंने क्या किया था, कास्टिज्म वाइज अपने सेना में भर्ती नहीं किया। मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप तो न्यूज नहीं देखते, तो हम न्यूज देख लिए थे तो आपको शेयर कर, आपसे बता दूं, तो उन्होंने क्या हुआ, पहले जब वो लोग नॉर्मली
सेना में लेते थे इंडियन आर्मी में तो सेलेक्टेड लोगों को लेते थे, सबको नहीं लेते थे। तो क्या होता था ना, एक विरोध जातिवाद वो लोग पैदा करके रखते थे, ये बड़े जाति वाले लोग हैं जो तुम्हें मारते हैं, अब तुम पुलिस में आ गया, मेरा पावर ले, अब तुम इनको मार। समझ में आया बात? लेकिन जब उनको ज्यादा सेना चाहिए था तो उन्होंने क्या किया, सबको ले लिया, जो मिला आ जाओ सामने से, क्योंकि वर्ल्ड वार हो रहा है। तो सबको जब लिया, उन्होंने भर्ती कर लिया ना, तो बुद्धिमान जब पहुंच गया उसके बीच में, तो बुद्धिमान तो अपना बुद्धि लगा ही देगा। तो सेना को ये प्रॉमिस ये लोग कर दिया कि आफ्टर वर्ल्ड वार मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा इंडिया को। और जैसे ही ये लोग जीत कर आए वर्ल्ड वार में, इंडियन आर्मी एक्सीलेंट परफॉर्म किया, ठीक है, ग्राउंड बैटल में। तो यहां पर सेना बोलने लग गई कि मुझे आजादी चाहिए। अंग्रेजों की संख्या सिर्फ 40,000 थी और सेना लाखों में थी, लाखों में। और वो विरोध होने लगा और उनकी खुद की इकोनॉमी जो है ब्रिटेन में वो खराब हो गई युद्ध के कारण। तो वो फिनेंशियल यहां लेने को कुछ है नहीं, देने को था और दे नहीं सकते थे, तो विरोध तो नेचुरल होना है। तो इन्होंने अपना क्या किया, वहां पर इंडियन का इंडिपेंडेंस एक्ट बोल के उन्होंने पास कर दिया, बोला इंडिया को आजाद कर दो। भैया तुम इतना दयालु कैसे हो गए, 10 देश को तुमने आजाद किया था 3 साल में, एक दो को नहीं। तो वहां कौन से गांधी जी थे, बस ये हीरो ये लोग बन गए। रियल में कौन आजादी दिलाया, इंडियन आर्मी, ये फैक्ट है। तो कुछ बोल रहे हैं? चलो मैं आपसे ऐसे ही शेयर कर लिया। द थिंग इज दैट जानना चाहिए हम लोग देश में, ठीक है, इन लोगों ने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन उन लोगों को अंग्रेजों ने क्या किया था, दबा दिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया और अल्टीमेटली देश को आगे लेके गए, वो है इंडियन आर्मी, आज भी बचा रहा है और आगे भी बचाता रहेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जा बच्चा, इतना मत जाओ डिटेल्स में, बस इतना काफी डिटेल्स था, अब पढ़ाई पे आ जा। नंबर 1, फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर, इधर में नॉर्मल एंट्री लिखेंगे लेफ्ट में और रिप्लेसिंग एंट्री इधर लिखेंगे, आज भी जेनेट इसका प्रैक्टिस हो रहा है। ओनर अपने घर से बिजनेस के अंदर क्या क्या ला सकता है, कैश, और क्या ला सकता है, बैंक बैलेंस ला सकता है, और क्या ला सकता है, एसेट्स भी ला सकता है, कैश, बैंक, अदर एसेट्स, या आप बोलो स्टॉक ले आया, गुड्स लेके आ सकता है। बिजनेस में इंक्रीज होने से डेबिट होता है, और बिजनेस बोलता है कि मुझ पर एक कि कोई एहसान नहीं करना, दैट मीन्स कि मैं तुम्हारा कोई भी चीज नहीं लूंगा, मैं उतना लाइबिलिटीज एक्नॉलेज करूंगा, आई विल रिटर्न बैक दिस टू यू। तो क्या करता है, एक्स लाया तो टू एक्स कैपिटल, वाई लेकर आया तो वाई कैपिटल, ये नॉर्मल एंट्री है। वेंचर में हम लोग रिप्लेसिंग रूल लगाते हैं, मैंने कहा जहां नॉमिनल अकाउंट दिखाई दे उसको रिप्लेस करना, अदरवाइज रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन यहां पे कैश बैंक ऑपरेशन नहीं होके ज्वाइंट बैंक ऑपरेशन होता है, तो अपने को पता है कैश भी लाएगा तो कहां पे जमा होगा, उस ज्वाइंट अकाउंट में, बैंक भी होगा तो कहां पे जाएगा, ज्वाइंट बैंक में। तो इस कैश और बैंक की जगह पर क्या होगा, और इस एसेट्स और स्टॉक की जगह पे क्या होगा, सुना नहीं, इस एसेट्स और स्टॉक के जगह पर क्या होगा, आप ठीक से पढ़ते नहीं है, जब कोई चीज बताया जाता है तो दूसरा बात करने लगते हैं, यही माइनस है। मैंने थोड़ा देश का इंफॉर्मेशन आपसे शेयर किया तो भी आपने उसको सीरियसली नहीं सुना, दैट शोज योर मतलब कि यू आर नॉट सिंसियर।
यहां पर भी मैं ये यहां पे अभी मैं इसलिए कोरिलेट कर दिया दोनों बात कि थोड़ा देर पहले ये पढ़ाया, फिर बाद में मैंने थोड़ा कंट्री के बारे में पढ़ाया बताया, आपसे इंफॉर्मेशन शेयर किया। थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि यहां पर कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है, तो यहां पर एसेट्स का वजूद होता ही नहीं है, तो यहां पर एसेट्स भी किस सेंस में है, इंटेंशन क्या है, शॉर्ट टर्म, इसलिए एसेट्स भी यहां पे क्या होगा, रेवेन्यू नेचर आइटम होगा, यानी नॉमिनल अकाउंट है। यहां पे कार को एसेट्स नहीं माना जाता है, यहां पे ट्रक को एसेट्स नहीं माना जाता है, क्योंकि यहां पर क्या इंटेंशन है, शॉर्ट टर्म बिजनेस, शॉर्ट टर्म है, यानी कार खरीदेंगे भी ट्रक खरीदेंगे भी तो बेच देने का इंटेंशन है बाद में, कि वेंचर खत्म होगा तो हम इस ट्रक को सेल कर देंगे, इसलिए यहां पर जो एसेट्स है वो एसेट्स माना ही नहीं जाता। मैंने बोला भी कि यहां बैलेंस शीट नहीं बनता है, यहां पर क्या होता है, एसेट्स होता ही नहीं है, दैट्स वाई यहां पर हम उस एसेट्स को भी क्या मानेंगे, दैट इज यूज टू जनरेट रेवेन्यू वेंचर में, तो बाद में आप इसे रिप्लेस कर दोगे, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, और इसे रिप्लेस करेंगे किससे, आपको रेंट और वेजेस ही खाली हर समय थोड़ी दिखाई देगा। अच्छा एक्स कैपिटल है तो को वेंचर्स अकाउंट इज नथिंग, वो वही है, सेम टू सेम रहेगा, एक्स कैपिटल होगा और वाई कैपिटल होगा, ये पहला एंट्री। दूसरा फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, बिजनेस में जब एसेट्स खरीदते हो तो क्या एंट्री होता है बोलो, एसेट्स डेबिटेड टू कैश और बैंक। आपको यहां पे पता है वेंचर में एसेट्स हो एसेट्स नहीं माना जाएगा, उसका इंटेंशन, इंटेंशन जब देख रहे हैं हम लोग तो यहां पे तो क्या है, लॉन्ग टर्म यूज करना है ही नहीं, वेंचर के लिए केवल यूज करना है, इसीलिए वो एसेट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और इस बार क्या होगा, रिप्लेस होगा, नहीं तो कुछ बोलेंगे सर एसेट्स रियल होता है, वो याद करने जैसा हो गया, एसेट्स रियल होता है, अभी भी बोल रहा हूं रियल होता है, बट वेंचर चैप्टर में एसेट्स होता ही नहीं है, हर चीज को तो एसेट्स मानना ही नहीं हमको यहां पर, तो क्या होगा, यहां पर ज्वाइंट वेंचर डेबिटेड टू समझ में आ रहा है। नंबर थ्री फॉर एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ कॉमन फंड, आउट ऑफ कॉमन फंड बोलने का मतलब है बिजनेस फंड बाय प्रोप्राइटर, अब हम चाहेंगे कि एक बच्चा जो साइंस स्ट्रीम से हो, कोई भी एक बच्चा जो साइंस स्ट्रीम से हो वो नॉर्मल एंट्री बोले, दूसरे लोग ध्यान से सुनेंगे और रिप्लेसिंग एंट्री बोले, कौन है जो बच्चा ट्राई करना चाह रहा है, इधर से एक बच्चा था, खड़ा हो जा बेटा, सुना, ऐ ध्यान से सुनोगे आप लोग, आवाज नहीं करोगे, लिख दो बेटा, क्या लिखो, एक्सपेंसेस डेबिट होगा, सही है, कैश या बैंक क्रेडिट होगा, लेकिन और भी है उसमें, या तो कॉमन फंड से या प्रोप्राइटर ने पे किया है, प्लीज उसको बोलेगा तो उसका दिमाग डिस्टर्ब होगा, वो तो तुम लोग की तरह एक्सपर्ट नहीं है ना, थोड़ा कमजोर है अभी, बोल बेटा, यस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटर्स कैपिटल लिखेंगे हम लोग, यानी कि एक्स ने दिया हो तो टू एक्स कैपिटल, और वाई ने दिया हो तो टू वाई कैपिटल, राइट, रिप्लेसिंग रूल लगा, एक्सपेंस की जगह पे ज्वाइंट वेंचर,
ज्वाइंट बैंक बाकी दोनों सेम रहेगा। आप लोग कॉमर्स वाले समझ में आ रहे हैं, साइंस का लड़का एंट्री पास कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर में एंट्री बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, पूरा 100% परफेक्ट बोला है, वेरी गुड। मैंने बोला भी था कि धीरे धीरे जो मेच्योर्ड हो जाएगा मैं आपसे ज़्यादा उनको तेज कर दूंगा। होता ये है कि वो यदि ट्रस्ट करें तो, सीखना चाहे तो, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। आपसे तेज वो लोग क्यों हो जाते हैं, वो लोग ब्लैंक रहते हैं, उन पे लिखना आसान है, और जो लोग पहले से पढ़े लिखे होते हैं वो थोड़ा बहुत समझदार होते हैं, दाएं बाएं बहुत जाते हैं, ए गेम खेल इधर, सर पढ़ा रहे इधर में मोबाइल में गेम खेलते हैं। रिमोट है आपके पास। नेक्स्ट नंबर 4, प्लीज शांति से करो, 10-15 मिनट ही क्लास बचा है, ज्यादा देर नहीं है, शांति से पढ़ो। बहुत सारे ये खत्म कर देना है, 10-15 एंट्री है टोटल में, इस जितना स्पीड जाओगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आवाज दूसरा जाता है तो मेरा पढ़ाने का मन बदल जाता है, कम पढ़ाते हैं फिर और इधर उधर चले जाएंगे। नंबर 4, 3 क्या था, एक्सपेंसेस। अभी नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। यहां पे भी उधारी में ट्रांजेक्शन हो सकता है, जब बोल दिया ठीक है तो बोल दिया, है तो है, मतलब तब एंट्री करना होगा, तब वैसा मत सोचना कि यहाँ क्यों हो रहा उधारी में एंट्री। और कोई साइंस में था जो बोलना चाह रहा है, साइंस स्ट्रीम से और कोई था, खाली यही 2 जन तो सुपर एक्टिव दिखते हैं मेरे को, और बाकी साइंस वाले पता नहीं किस कॉर्नर में छुपे हैं। बोलो बेटा, एकदम सही बोला, परचेजेस डेबिट होगा और क्रेडिटर्स मेरा लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा, रिप्लेसिंग रूल, ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा, रिप्लेस हो जाएगा, परचेजेस को रिप्लेस कर देंगे और क्रेडिटर्स चेंज नहीं होगा, एकदम सही है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, नंबर 5, अभी अच्छा वाला आ रहा, ईशान आप बोलोगे। फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एक्स, नाम भी लिख दे रहा हूं, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एक्स फ्रॉम ओन बिजनेस टू From own business into joint venture business, normal entry, stock account debited to X capital, सही है। रिप्लेसिंग रूल, स्टॉक यहाँ पर खर्चा ही है, यहाँ पर कोई भी एसेट्स का लॉजिक नहीं है, ज्वाइंट वेंचर डेबिटेड टू, एकदम सही जवाब है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था भाई, अगला दिया हम उसको क्रेडिटर बना लिए, सिंपल। क्या दिया, गुड्स दिया, स्टॉक बोलो, इसलिए उसको स्टॉक बोल दिया। नंबर 6 है ना, साइंस वाले ये भी तो है, चुपचाप बैठा हुआ रहता है लोग, आप भी साइंस से हो, आप भी साइंस से हो। फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड, अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं जब चाहूं वहीं रोक सकता हूं, कैसे, मैं करा क्या रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस। तो जब आपको कभी भी सम्स में 1000 तरह का हो सकता है तो 1000 एंट्री थोड़ी लिखेंगे, सिर्फ आपको बता रहा हूं आइडिया, यार नॉर्मल एंट्री करना, रिप्लेस कर देना, तो ये जब चाहे वहीं रुक सकते हैं हम,
केवल आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, है ना। तो फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, आपको एंट्री पास करना है इस बार। साइंस वाले को अपॉर्चुनिटी दिया हूं आप, हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका इनकम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो क्या करूं? डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कीजिए, एकदम सही जवाब। ओह नो, क्रेडिटर्स बोल रही है डेबिट होगा, क्या डेबिट होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है अपने को, क्या डेबिट होगा? कैश या कैश या जोर से बोलो यार, कैश या गलत। हम तो जानते हैं, बोल कौन रहा था? तुमने सही बोला था। अच्छा देखे, ये होता है भेड़ चाल। एक से बोलो आओ, हमने बोला, सब बोला, आवाज तेज करो, आवाज तेज करो। कितने जन नहीं बोले, हाथ उठाओ। अब देखो तो बोल कौन रहा था? केटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट एंट्री इन्होंने बोला, और रीजन के साथ बोला, जब डिस्काउंट मिलता है तो मेरा क्रेडिटर्स, हाँ, शांत हो जाइए। अच्छा हाँ, हो गया, अब डांस भी कर रही है। केटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मैं कर दिया डांस, आप नहीं कर रहे थे। तो केटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो क्रेडिटर्स, ये आप रिप्लेसिंग रूल लगाएंगे, क्रेडिटर्स के जगह पे यहां पे क्या रहेगा? एंड डिस्काउंट रिसीव्ड के जगह पे क्या होगा? नंबर 7, व्हेन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, गिवन टू क्रेडिटर्स, ये एंट्री आप बोलेंगे। When acceptance of bills payable given to creditors, आप थोड़ा लाउडली, जैसे जो लोग खड़ा होके बोल रहे थे, आपको भी बोलना है, खड़ा नहीं होंगे। अच्छा, bills receivable to bank, नहीं साइंस वाले से पूछते हैं अब ना, सही है कि गलत है? साइंस वाला जवाब देगा। मैंने बोला था कि कॉमर्स वाले से अच्छा साइंस वाले करने लग जाते हैं, ऐसा मैं प्रूफ भी तो करूं, अपनी बातों को प्रूफ नहीं करूं? उठ जा बेटा, खड़ा हो, चल बोल। क्रेडिटर्स मेरा डिक्रीज हो रहा है, सुन डिक्री, क्रेडिटर्स मेरा डिक्रीज हो रहा है, लॉजिक दे के बोल रहा है, इसलिए क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और बिल्स पेबल क्या है, ये बोलना छोड़ दिया बेटा? फिर वो क्या हो रहा है? मेरा क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट होगा। रिप्लेसिंग रूल लगा बेटा। गलत जवाब, ये आप नया नया बात मत पैदा करो। यहां पर क्रेडिटर्स तो पर्सनल अकाउंट है, बिल्स पेबल भी तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, वो रिप्लेस नहीं होगा। यहां पर एसेट्स वगैरह को बोला गया कि यार इंटेंशन चेंज हो गया, इसलिए एसेट्स एसेट्स नहीं है। तो 75% तो करेक्ट हुआ, मेरा सर झुका दिया आज। तो क्रेडिटर्स के जगह पे क्रेडिटर्स ही रहेगा और बिल्स पेबल के जगह पे बिल्स पेबल ही रहेगा, कोई चीज चेंज नहीं होगा। नंबर 8, फॉर, आपने याद है, आप हमसे पूछी थी, सर हमको कभी बताइएगा, हम टेस्ट लेंगे, हम टेस्ट लिए आज। बच्चा कोई पूछता है हमको, सर टेस्ट लीजिए, तो हम टेस्ट लेते हैं, वक्त आता है, मैं उसके लिए महीनों वेट करता हूँ,
आप भूल जाते हो, मैं तो कोई बात नहीं भूलता हूं, मेरे को सब याद रहता है। आपका टेस्ट है अगला, चार्मी फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पुअर्स। बहुत इजी लाया हूं चार्मी, और बोल सकती हो, खड़ी होके बोलना है, खड़ी हो जाओ प्लीज। आप लोग बातचीत आपस में करते हो वही खराब लगता है। नॉर्मल एंट्री, सही एकदम। एंट्री होगा चैरिटी, चैरिटी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा एक्सप्लेनेशन आप देती। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड मेरा डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है ना परचेज, वो मेरा डिक्रीज हो रहा है। स्टैंडर्ड आंसर मेरे को एक्सपेक्टेड होता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बट डायरेक्ट कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। एंट्री सही था आपका, डोंट वरी, लेकिन और स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड आंसर आप करते हो तो मैं आपको पकड़ लेता हूं, ओ आप एकदम सही जा रहे हो, डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सही है, मतलब कि फ्यूचर ब्राइट है। चैरिटी टू परचेजेस, अभी चलो रिप्लेसिंग रूल लगाओ, अभी कोई लोग हेल्प नहीं करेंगे, कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। चैरिटी आपका नॉमिनल अकाउंट है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड, डाउटिंग। अच्छा नहीं, आपने वैसे ही पूछा, परचेजेस भी नॉमिनल ओ है, वही है। ऐसा क्या कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, क्या है ये नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस हो गया, दैट मींस यहां पर आपका क्या हो गया, ये और ये कट, यानी कि नो एंट्री। अब एक बच्चा को खड़ा करते हैं, देखो लॉजिक दम है कि नहीं, वो एक्सप्लेन कर सके कि इसका यहां एंट्री नहीं होता ज्वाइंट वेंचर में, क्यों? कौन बच्चा बोलेगा क्यों, क्यों कौन बच्चा बोलेगा? एक अथर्व पहले हाथ उठाए, फिर अनंत हाथ उठाए, अथर्व बोलो। खड़ा नहीं, बैठ जाओ, रीजन अनंत बोलो। यस, वी आर नॉट कंसर्न इन द ज्वाइंट वेंचर बिजनेस कि मेरा डायरेक्टली खर्चा हो रहा है या इनडायरेक्टली खर्चा हो रहा है। हम लोग वेंचर बिजनेस में वी आर कंसर्न विद द ओवरऑल प्रॉफिट, लाइक कंसाइनमेंट बिजनेस में आप जब नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस करते हो, सो यू आर अवॉइडिंग व्हाट, कॉस्ट एनालिसिस। याद करो कंसाइनमेंट में भी मैंने बोला था कि तुम क्या करते हो, कॉस्ट एनालिसिस को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, रिप्लेस कर देते हो। मेरे को ओवरऑल ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, प्रॉफिट। प्रॉफिट है ओवरऑल या लॉस है, आई एम नॉट कंसर्न कि खर्चा कैसे हुआ, किधर को गया, पुअर में बांटा, गरीब में बांटा, डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया, खराब हो गया, सड़ गया, गल गया, नॉर्मल लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ, यहां पर कुछ होता ही नहीं है। क्यों? आई एम कंसर्न ओनली विथ वॉट, प्रॉफिट। वेरी नाइस, समझ में आया? अच्छा ऐसा नहीं, वैसा चीज नहीं पूछ रहा हूं अब जो नहीं बताया हूं, अब वो बातें पूछता हूं आपसे जो मैं एक्सप्लेन कहीं ना कहीं करके बैठा हूं, ठीक है? नंबर 9, फॉर सेल ऑफ गुड्स इन कैश एंड प्रोसीड्स टेकन बाय ओनर, साइंस, कोई भी साइंस। साइंस का कहानी स्टॉक खत्म क्या? चलिए कॉमर्स, फॉर सेल ऑफ गुड्स इन कैश प्रोसीड्स टेकन बाय ओनर, कॉमर्स। खड़ा हो जाइए सर जी, आप ग्रे टी शर्ट, टू
टू सेल्स बोलने से पहले रेवेन्यू इंक्रीजिंग बोला कर, गलत जवाब है ये बेटा। नहीं, दो एंट्री नहीं करेंगे, एक ही बार में सल्ट आएंगे। तो दूसरा बोल लो, सुन लेते हैं। ड्रॉइंग्स एक्सपेंस नहीं होता बेटा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। यही चीज तो आपको खुद से बात करना है रेगुलर बेसिस में, तब अपने आप एक्सप्लेनेशन आएंगे। देखेंगे साइंस वाले को खड़ा करते हैं। खड़ा हो बेटा, जोर से बोल, बैठ जा तू। आप यदि ये बोल दिया तो अपने को शर्म आना चाहिए ना, कि हम लोग शायद नहीं फॉलो करते हैं इसलिए नहीं आया। अच्छा मैं बता दूं, ये डे वन में जिस दिन मेरे पास आया था, एक दिन ये वीडियो कर रहा था, मेरे को वो सब इंसिडेंट याद है। याद है तुमको या नहीं? तो मेरे से दो तीन क्लास ये वीडियो, एक क्लास वीडियो करके बोला हमको बहुत सारा डाउट है, डाउट है। पांडे जी का जाके माथा खराब कर दिया था। फिर पांडे जी बोले सर से मिलो, तो मेरे से आके मिला और बहुत सारा डाउट्स पूछ रहा था। तो हम बोले बेटा बहुत आगे जाएगा तू, क्यों? इंटरेस्ट टू नो द थिंग्स, वो उसका इंटरेस्ट था। अब आगे बीच में थोड़ा गड़बड़ाया। एक तो वो यहाँ पिलर के पीछे बैठता वो लड़का, ठीक है, वो गायब है। वो चल नहीं सकता है। ओ नहीं नहीं वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे बेटा। बोल सही है। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, कैपिटल कम हो रहा है, या दूसरे सेंस में हम उसको डेटर बनाएंगे। ड्रॉइंग्स इज डेटर्स। तो आप यहां पर ना दो दो अकाउंट नहीं खुलता है, याद रख लेना। वेंचर चैप्टर में कैपिटल से ही काम चलाया जाता है, ठीक है? तो क्या होगा एंट्री यहां पर? एक्स कैपिटल, यदि एक्स ने निकाला तो एक्स कैपिटल डेबिट, बैठ जा। वाई कैपिटल डेबिट एंड सेल्स रेवेन्यू है, मेरा इनकम है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट। रिप्लेसिंग रूल लगाओ, क्या होगा? ये तो वही रहेगा, ये वही रहेगा, और सेल्स के जगह पे क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर। समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई कंफ्यूजन है? लग रहा है डिफिकल्ट चीज है? अकाउंट्स में मजा आना कितना जन को शुरू हो गया? बहुत जन को आ रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। अभी कुछ हाथ नहीं उठ रहा अभी भी, लेकिन ये स्टेज आ चुका है जहां पर अब आपको एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद बहुत लेट हो जाएगा, मतलब बोलेंगे समझ में आया लेकिन देरी हो गया, तो वो स्टेज पार हो गया। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10 फॉर, इस पर पूरा क्लास एक साथ बोल सकता है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, नॉर्मल एंट्री पूरा क्लास एक साथ बोल सकता है। एकदम सही है, मेरे कान में चला गया आवाज। एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस, ज्वाइंट वेंचर में भी बोल सकते हैं रिप्लेसिंग रूल। नो एंट्री, क्योंकि यहां पर एबनॉर्मल लॉस भी नॉमिनल अकाउंट है और परचेजेस भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए कोई एंट्री नहीं होगा। फॉर सेल ऑफ एसेट्स, नॉर्मल एंट्री बोलना है। कैश टू कैश या बैंक डेबिटेड टू एसेट्स, एकदम सही है। रिप्लेसिंग रूल बोलो, ज्वाइंट बैंक डेबिट टू एसेट्स को यहां पर जब खरीदते समय एक्सपेंस माने तो बेचते समय एसेट्स को रेवेन्यू मानेंगे, क्योंकि एक्सपेंस के अगेंस्ट में रेवेन्यू जनरेट होता है।
समझ में आया बात? हाँ समझ गया, अब तू आराम से कर लेगा, तू जा सकता है। हाँ तो क्या हो जाएगा यहां पे? टू हो गया, 11, 12, लास्ट में क्या होता है वेंचर में, जो गुड्स बच जाता है दैट माइट बी टेकन बाई होम बाय द ओनर, या तो बेच देंगे स्क्रैप, नहीं बिक रहा है तो ओनर लोग विड्रॉ करता है। तो फॉर विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग गुड्स, रिमेनिंग गुड्स और एसेट्स, नॉर्मल एंट्री होता है एक्स ने निकाला तो एक्स के कैपिटल को डेबिट, वाई ने निकाला तो वाई के कैपिटल को डेबिट, मैंने डेटर बना रहे हैं। यदि गुड्स ले गया तो परचेज एक्सपेंसेस को कम करेंगे और एसेट्स को कम करेंगे। यहां पर रिप्लेसिंग रूल लगाओ, एक्स के जगह पे एक्स ही रहेगा, वाई के जगह पे वाई ही रहेगा, परचेज के जगह पर ज्वाइंट वेंचर, एसेस के जगह पर हो गया। लास्ट 13 नंबर, 13 पे तो खत्म करेंगे नहीं तो एक और लिखेंगे। फॉर प्रॉफिट ऑन वेंचर, लास्ट में ना प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कब होगा बच्चा बताओ? व्हेन प्रॉफिट विल कम? जब इनकम ज्यादा हो, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, तो व्हेन द वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। ऐसे भी तुम फाइनल अकाउंट बनाकर आया तो प्रॉफिट हम लोग कहां ट्रांसफर कर रहे थे याद है? कैपिटल में। तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल हुआ था क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर था। यदि पार्टनरशिप होता तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल होता प्रॉफिट होने से। तो यहां पर नॉर्मल एंट्री होगा पीएल डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। यहां पीएल नॉमिनल अकाउंट होता है, रिप्लेसिंग रूल लगाएंगे तो यहां क्या होगा? टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। बिजनेस खत्म बेटा, प्रॉफिट का बंटवारा तक हो चुका है, तो जो भी अब बिजनेस में तुम्हारा लेना देना है विड्रॉ कर लो। सो फॉर विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल का एंट्री करना है। सो विड्रॉल ऑफ कैपिटल का एंट्री होगा, नॉर्मल एंट्री होता है एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक, यहां पर एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। बस लास्ट थैंक यू। ज्वाइंट वेंचर का एक मेथड खत्म हो गया अपने।